बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम अपना मोहनजोदड़ो का सबक का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। एक हिस्सा हम पढ़ चुके थे, अगला हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। बुक के अंदर मैं हूँ पेज नंबर 21 और ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो 21 के ऊपर 21st पेज पर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप अपनी कॉपीज़ और अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेंसिल हाथ में रखिए, मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ लिखते जाइए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके किसी मुश्किल सेंटेंस का मफहूम और तर्जुमा जो है वो आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाइए, ताकि आप जब इसको ट्रांसलेट करने बैठें ख़ुद तो आसानी से पूरा ट्रांसलेशन आपको बनाना आसान हो। पेज नंबर 21 का दूसरा पैराग्राफ है, मैं पढ़ रहा हूँ। द पीपल ऑफ दिस सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स। इस शहर के लोग यकीनन बड़े ताजिर रहे होंगे। ठीक है, मस्ट हैव बीन रहे होंगे, लाजमी रहे होंगे, ग्रेट ट्रेडर्स, अजीम बड़े ताजिर। ठीक है, विद द रिवर इंडस सो नियर, क्योंकि जो दरियाए सिंध था वो बहुत करीब था इनसे, एंड द सी विद इन ईजी रीच, और समंदर तक पहुंचना आसान था। ठीक है, तो देखिए जो बड़ी तिजारत होती है, सामान, भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए दरियाई रास्ते को इस्तेमाल किया जाता रहा है सारी तारीख में, और समंदरी रास्तों को जहाज़ों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो क्योंकि ये दोनों रास्ते इनके दस्तरस में थे, ये आसानी से पहुंच सकते थे, इसलिए ये ख़्याल किया जा रहा है कि ये कौम बड़ी ताजिर होगी, अजीम ताजिर रहे होंगे ये लोग। ठीक है, द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टाइल। देहाती इलाके यकीनन ज़रखेज़ होंगे। मस्ट हैव बीन फर्टाइल, ज़रखेज़ रहे होंगे, सिंस वीट, राइस एंड कॉटन ग्रिव देयर, क्योंकि वहाँ पर यकीनन पैदा होती होगी वीट यानी गंदम, राइस चावल, एंड कॉटन और कपास, यानी वो लोग इन तीनों की काश्त वहाँ पर करते होंगे, उगती होगी। द फार्मर्स आल्सो केप्ट कैटल, किसान मवेशी भी रखते होंगे, सही है, रखते थे। देयर वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, वहाँ पर बहुत माहिर दस्तकार भी मौजूद थे। क्राफ्ट्समैन, दस्तकार, हाथ का काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं क्राफ्ट्समैन। वहाँ बड़े माहिर दस्तकार थे, हु वर्क, जो काम करते थे इन गोल्ड, सोने में, यानी सोने का काम करते थे, सिल्वर चांदी की धात पर काम करते थे, एंड आइवरी, और आइवरी का मतलब हाथी दांत के जेवरात बनाने का काम करते थे। ठीक है, क्ले डॉल्स एंड कार्ड्स, चिकनी मट्टी की गुड़िया और कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी, वर मेड, बनाए जाते थे फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले विद, जिससे वो खेल सकें, यानी बच्चों के खेलने की चीज़ें मट्टी के, चिकनी मट्टी से बनाई जाती थी। आगे लिखते हैं, वी आल्सो हैव एन आइडिया, हमें एक आइडिया भी है, हुआ है, ऑफ द ड्रेसेस, लिबास का, वॉर्न बाय द रूलिंग क्लास, जो वहाँ का हुक्मरान तबका ड्रेस पहनता था। वॉर्न वेयर की सेकेंड फॉर्म है, वॉर्न बाय द रूलिंग क्लास, जो वहाँ का हुक्मरान तबका पहना करता था। द प्रीस्ट एंड द एल्डर्स, ख़ासतौर पर जो प्रीस्ट का मतलब होता है जो पादरी टाइप के लोग होते हैं, जो मज़हबी पेशवा, जी मज़हबी पेशवा, और जो बुज़ुर्ग लोग वहाँ के पहना करते थे, उनके ड्रेसेस का हमें अंदाज़ा हुआ है, किससे, फ्रॉम द सील्स, उन मोहरों से, ऑफ मैनी काइंड्स, कई किस्म की, दैट हैव बीन फाउंड देयर, जो हमें वहाँ से मिली है, यानी स्टैम्प्स देख कर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का जो रूलिंग तबका था, वहाँ की जो बुज़ुर्ग लोग थे या जो मज़हबी पेशवा थे, वो किस तरह का लिबास पहनते थे, क्योंकि स्टैम्प के अंदर उनकी तस्वीर होती थी और उससे लिबास का अंदाज़ा हो जाता था। ठीक है, दे वोर लॉन्ग लूज ड्रेसेस, वो पहना करते थे लंबे और ढीले ढाले कपड़े। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे लिखते हैं, नियर बाय इज़ अ म्यूज़ियम, करीब ही एक अजायब घर है, म्यूज़ियम है, बनाया गया अभी। वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फाउंड, जहाँ दिलचस्प चीज़ें जो मिली हैं फ्रॉम मोहनजोदड़ो से, आर ऑन एग्जीबिशन, वो नुमाइश के लिए रखी गई हैं। दीज इंक्लूड सील्स, इन चीज़ों में शामिल हैं मोहरें, ज्वेलरी, टॉयज, वेपन्स, ठीक है, यानी जेवरात शामिल हैं, खिलौने शामिल हैं, वेपन्स शामिल हैं, हथियार शामिल हैं। ठीक है,
एंड पेंटेड पोल्ट्री और रंगीन या नक्श नगार वाले बर्तन शामिल हैं। द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ द हेड ऑफ अ बुल। बेहतरीन जो चीज़ मिली है मोहनजोदड़ो से वो एक बैल का सर है, वो एक बैल का सर है, ठीक है। विच वॉज यूज एज अ सील, जो इस्तेमाल होता था स्टैम्प के तौर पर, मोहर के तौर पर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये शायद वो स्टैम्प है जो इस्तेमाल होती थी सील। और ये देखिए यहाँ पे भी सील है ना, ये जो तस्वीर है इसमें भी सील है, एक मोहर है। तो ये बेस्ट जो है वो फाउंड है मोहनजोदड़ो की। आगे लिखते हैं, अ मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक धात का मुजस्मा रक्स करती हुई लड़की का, हैज़ आल्सो बीन फाउंड, वो भी वहाँ से मिला है। आप अगर तस्वीर देखेंगे तो ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है डांसिंग गर्ल का, ये भी वहाँ से मिला है, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे लिखते हैं, देयर आर मेटल टूल्स टू, धात के औजार भी वहाँ से मिले हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज मेटल ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं धात की चीज़ों का सबब है, ठीक है, दैट द प्रोबेबल एज ऑफ द सिटी, के मुमकिना उम्र इस शहर की गिविन, इस बींग गिविन बताई गई है, ठीक है। इन धात की चीज़ों की वजह से हम इस काबिल हुए कि हम इस शहर की मुमकिना उम्र बता सकें कि ये कितना पुराना शहर है। एज अबाउट 4500 ईयर्स, ये उम्र उसकी तकरीबन 4500 साल बनती है। यानी धात की जो चीज़ें इनको वहाँ से मिली हैं, उस धात का साइंटिफिक रिसर्च और मुशाहदे से इंसान इस नतीजे पर पहुँचा है कि इस जगह की जो एज है, ये जो पुरानी बात है, ये 4500 साल पुरानी है, ठीक है। पेज नंबर 21 पर तीसरा पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक, दीज पीपल लिव्ड हैप्पीली, ये लोग बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारते रहे। दे वर क्वाइट रिच, ये बहुत अमीर लोग थे, एंड ट्रेवल्ड, और सफ़र करते थे प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, ऑन बिजनेस, या तो कारोबारी मामले में, या फिर ऑन प्लेजर, या फिर तफरीह के लिए। तो ये लोग बहुत अमीर थे और शहर ब शहर ये सफ़र करते थे, और उसके लिए या तो तफरी बुनियाद होती थी या फिर कारोबार के सिलसिले में। देयर सिटी वॉज वेल प्लान्ड एंड क्लीन, उनके शहर बहुत उम्दा प्लानिंग के ज़रिए बनाए गए थे और साफ़ सुथरे शहर थे। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट, बारिश का पानी सड़कों पर जमा नहीं होता था। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, वाट हैपन टू देम लेटर, कि बाद में उनके साथ क्या हुआ। ईदर दे वर रेडिड फ्रॉम द नॉर्थ, या तो उन पर हमला हुआ शुमाल की तरफ से, और सम ग्रेट अर्थक्वाक, या फिर किसी बड़े ज़मीनी जलजले ने डिस्ट्रॉयड देम, उन्हें तबाह कर दिया। तो अर्थक्वाक का मतलब क्या होता है, ज़मीनी जलजला। नो वन हैज़ येट बीन एबल टू डिटरमाइन, कोई भी आज तक बयान करने के काबिल नहीं हुआ, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, उन अल्फाज के मफहूम को, मायने को, रिटन ऑन द सील, जो उस मोहरों पर लिखे हुए हैं, एंड ऑन द पोल्ट्री, या फिर जो बर्तनों पर लिखे हुए हैं। यानी अभी तक हम इस काबिल नहीं हुए कि उन मोहरों पर और उन बर्तनों पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम उनको जान लें कि इसका क्या मतलब है। मच कुड बी लर्न, मज़ीद सीखा जा सकता था, इफ़ अगर द लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आर एबल, अगर ज़बान के माहिर इस काबिल हो जाएं टू डिसीफर दीज वर्ड्स, इंकशाफ कर दें इन अल्फाज का, खोल डालें, मफहूम खोल दें, सही है, पर्दे से हटा दें। डिसीफर का मतलब होता है खोल देना, पर्दा हटा देना, सही है। तो अगर ज़बान के माहिरीन इन अल्फाज को खोल डालें, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि मज़ीद जान पाएँ मोहनजोदड़ो की इस तहज़ीब के बारे में, ठीक है। पेज नंबर 22 पर मैं आ गया हूँ, और अब हम आखिरी पैराग्राफ इसका पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ रहिए। लर्न मैन एंड विजिटर्स, पढ़े लिखे लोग और सैयाह, ऑफ्टन कम टू द साइट, अक्सर इस मुकाम पर आते हैं।
तो लर्न मैन का मतलब जो तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं, जो आसार क़दीमा से दिलचस्पी रखते हैं, या जो रिसर्च कर रहे होते हैं पुरानी चीज़ों पर, ठीक है, वो लोग और सैया भी घूमने आते हैं इस जगह पर। दे कम नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, वो ना सिर्फ पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, बट आल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर जमा होते हैं। लेट अस होप, आइए अब हम उम्मीद करते हैं दैट देयर एफर्ट्स, कि उनकी कोशिशें सक्सीड, ठीक है, उनकी कोशिशें कामयाब हो जाएं इन डिसिफरिंग दीज वर्ड्स, इन अल्फाज को पढ़ने की कोशिशें उनकी कामयाब हो जाएं। वी विल देन नो, फिर हम जान लेंगे अ ग्रेट डील मोर, मज़ीद ज़्यादा, देन वी डू नो डू नाउ, जितना कि हम अब जानते हैं उसके मुकाबले में, अबाउट दीज डेड सिविलाइजेशन, इस मुर्दा तहजीब के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा सबक ख़त्म हो गया। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ तेज़ी के साथ, आप फिर पेज नंबर 21 पर आ जाएं मेरे साथ, दोबारा हम पढ़ रहे हैं, रवां हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, द पीपल ऑफ दिस सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स, इस शहर के लोग यकीनन बड़े ताजिर रहे होंगे। विद द रिवर इंडस सो नियर एंड द सी विद इन ईजी रीच, क्योंकि दरियाए सिंध और समंदर इनके बहुत करीब था। द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टाइल, देहाती इलाके सरसब्ज व शादाब होंगे। सिंस वीट राइस एंड कॉटन ग्रीव देयर, क्योंकि उस वक्त से ही गंदुम चावल और कपास यहाँ उगाई जा रही है, यानी इसी इलाके में आज भी गंदुम कपास उगती है। तो अगर ये इलाके बंजर होते तो यकीनन यहाँ पर आज भी ये खेती बाड़ी नहीं होती। इससे अंदाज़ा लगाया कि उस ज़माने से ही ये ज़मीनें बड़ी फर्टाइल होंगी। ठीक है, द फार्मर्स आल्सो कैप्ट कैटल, और किसान मवेशी भी रखते थे। देयर वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु वर्कड इन गोल्ड, वहाँ बहुत माहिरीन थे, दस्तकार थे जो सोने का काम करते थे, सिल्वर का एंड आइवरी और हाथी दांत का। ठीक है, क्ले डॉल्स एंड कार्ट्स वर मेड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले विथ, बच्चों के लिए गुड़िया गाड़ियाँ चिकनी मिट्टी से बनाया जाता था जिससे वो खेलते थे। वी आल्सो हैव एन आइडिया ऑफ द ड्रेसेस, हमें एक आइडिया भी हुआ है लिबास का, वर्न बाय द रूलिंग क्लास, जो वहाँ का हुक्मरान तबका पहनता था, द प्रीस्ट जो मजहबी पेशवा पहनते थे, एंड द एल्डर्स या जो बुज़ुर्ग लोग पहनते थे। फ्रॉम द सील्स ऑफ मैनी काइंड, मुख्तलिफ़ कस्म की मोहरों से हमें अंदाज़ा हुआ है, दैट हैव बीन फाउंड देयर, जो वहाँ से मिली हैं। दे वोर लॉन्ग लूज ड्रेसेस, वो पहनते थे लंबे और ढीले ढाले कपड़े। ठीक है, नियर बाय इज़ अ म्यूज़ियम, करीब ही एक म्यूज़ियम है, वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, जहाँ पर जी वो चीज़ें जो मोहनजोदड़ो से मिली हैं आर ऑन एग्जीबिशन, उन्हें नुमाइश के लिए रखा गया है। दीज इंक्लूड सील्स, इन चीज़ों में शामिल है मोहरें, ज्वेलरी, टॉयज, वेपन्स एंड पेंटेड पोट्री और नक्शशुदा बर्तन। द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ द हेड ऑफ अ बुल, बेहतरीन जो चीज़ मिली है मोहनजोदड़ो से वो एक बुल का सर है। विच वॉज़ यूज एज अ सील, जिसे मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अ मेटल स्टेचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल हैज़ आल्सो बीन फाउंड, धात का मुजस्मा रक्स करती हुई लड़की का, वो भी वहाँ से पाया गया है। देर आर मेटल टूल्स टू, धात के औजार भी मिले हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज मेटल ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं धात के औजार की वजह से दैट द प्रोबेबल एज ऑफ द सिटी इज़ बींग गिविन, मुमकिना उम्र इस शहर की बताई गई है, अबाउट 4,500 ईयर्स, जो कि 4,500 साल है। ठीक है, अगला पैराग्राफ 21 पेज पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक, दीज पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, ये लोग बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारते रहे। दे वर क्वाइट रिच, वो बहुत अमीर थे। ठीक है, एंड ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, ऑन बिजनेस और ऑन प्लेजर, या तो कारोबार के सिलसिले में या फिर तफरी के सिलसिले में। देयर सिटी वॉज वेल प्लान एंड क्लीन, उनके शहर बहुत उम्दा प्लानिंग के ज़रिए बनाए गए थे और साफ़ सुथरे शहर थे। ठीक है, द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट, बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा नहीं होता था। ठीक है, वी डू नॉट नो वाट हैपेंड टू देम लेटर, हमें नहीं पता चला कि बाद में उनके साथ क्या हुआ। ठीक है,
ईदर दे वर रेडेड फ्रॉम द नॉर्थ, या तो शुमाल से उन पर हमला हुआ, किसी कौम ने उनको शुमाल से हमला किया, और सम ग्रेट अर्थक्वाक डिस्ट्रॉयड देम, या फिर किसी बड़े ज़मीनी जलजले ने उन्हें तबाह कर दिया। ठीक है, नो वन हैज़ येट बीन एबल टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कोई भी अभी तक उन अल्फाज के मायने तलाश नहीं कर पाया। रिटन ऑन द सील्स, जो मोहरों पर लिखे हुए हैं, एंड ऑन द पोल्ट्री, या फिर बर्तनों पर लिखे हुए हैं। मच कुड बी लर्न, ज़्यादा सीखा जा सकता था, इफ़ द लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आर एबल, अगर ज़बान के माहिरीन इस काबिल हो जाएं टू डिसीफर दीज वर्ड्स, इन अल्फाज को मुनकशिफ करने के काबिल हो जाएं। आखिरी पैराग्राफ है, लर्न मैन एंड विजिटर्स ऑफन कम टू द साइट, पढ़े लिखे लोग और सयाह अक्सर इस जगह पर आते हैं। ठीक है, दे कम नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, वो ना सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं, बट आल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि वो पूरी दुनिया से आते हैं। लेट अस होप, आइए उम्मीद करते हैं, दैट के देयर एफर्ट्स सक्सीड, उनकी ये कोशिशें कामयाब हो जाएं इन डिसिफरिंग दीज वर्ड्स, इन अल्फाज की तशरीह करने में। वी विल देन नो अ ग्रेट डील मोर देन वी डू नाउ, उस वक्त हम जान लेंगे इससे भी ज़्यादा जितना कि हम आज जानते हैं अबाउट दिस डेड सिविलाइजेशन, इस मुर्दा तहजीब के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा आज का सबक मोहनजोदड़ो का, और सबक हमारा पूरा हो गया। आप इस सबक को दोबारा से, पूरा सबक दोबारा से एक बार पढ़िए, ताकि आपको कनेक्टिविटी हो जाए, और फिर जब हम इसकी एक्सरसाइज करने जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि पूरा सबक हमारे जहन में होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।